गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोना और आप देख रहे हैं लाइफ विद मोना शानी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। हेलो करो, हेलो बैंडिस, आप भी हेलो करो। तो मैं अभी जा रही हूँ बैंडिस का डेंटल चेकअप करवाने, क्योंकि इसके दांत बहुत खराब हो गए हैं। बैंडिस शो योर टीथ, मामा से बात कराओ। इसके दांत में कैविटी लगी। तभी मैं डेंटल हॉस्पिटल जा रही हूँ इसका चेकअप करवाने, वहाँ देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ चलें, फिर वहाँ जाके बात करते हैं। चेकअप होता है, फॉर्म मैंने बनवा लिए अभी, और अभी ऊपर चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। रमेश, डॉक्टर विल कम एंड चेक योर टीथ, ओके? सो बी जेंटल, डोंट वरी, ओके? जी तो हॉस्पिटल से मैं घर पे आ गई हूँ और इनसे मिले। से हेलो, हेलो। और हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि उसके छह दांत ख़राब है, छह दांतों में कैविटीज़ लगी हैं, जिनके जो के चार दांतों की फिलिंग होगी और दो उसके जो दांत हैं उनके रूट कैनाल किया जाएगा। अभी हमें 5 तारीख का अपॉइंटमेंट मिला है और हम लोग 5 तारीख को फिर से वापस जाएंगे और वैनिस का सारा प्रोसीजर करवाएंगे। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। मैं एलेक्स गिमी ये कार्ड, ऐसे नज़र नहीं आएगा, मैं फिर से दिखा। तो ये देखें, 5 तारीख के हमें अपॉइंटमेंट मिली है 1:30 बजे की। मुझे तो अभी से ही इतनी परेशानी हो रही है सोच सोच के कि पता नहीं इसको पेन होगा, बच्ची को क्या कैसे प्रोसीजर होगा, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ डेंटल हॉस्पिटल, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। तो खैर, आप सब लोग दुआ कीजिएगा फिर बैनिस के लिए, ताकि उसका प्रोसीजर अच्छे से हो जाए। और मैंने डॉक्टर से इसका रीज़न पूछा कि इतनी ज़्यादा कैविटीज़ इसे कैसे हो गई, मतलब कैंडीज़, इतनी ज़्यादा कैंडीज़ तो नहीं खाती कि पूरा दिन इसके छः के छः दांत ख़राब हो जाएँ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे इसका रीज़न बताया कि ये जो बॉटल फीड करती है ना, फार्मूला मिल्क से इसके दांत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और क्योंकि ये अभी 4.5 ईयर्स की है, तो ये अभी तक बॉटल फीड ले रही है, दूध पीती है फीडर में, खाना तो कम ही खाती है, ज़्यादातर फीडर ही लेती है। तो ये मेन रीज़न जो है वो फार्मूला मिल्क है, जो कि हम अपने बच्चों को देते हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि जो माएँ मेरी तरह अभी तक अपने बच्चों को बॉटल फीड दे रही हैं, 1 साल से ऊपर या 2 साल से ऊपर के बच्चों को, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, कैविटीज़ आ जाती हैं। तो प्लीज़, हम लोगों ने तो अब सोच लिया है कि अब इसका जो है बॉटल फीड बंद कर देंगे, और वैसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चलो खैर, अब पता चल गया है, अब बंद कर देंगे। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक बॉटल फीड ना दें, ताकि ऐसे मसलों से बचा जा सके। और आज का व्लॉग फिर मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।